अच्छा, IS-21 में बेसिकली है क्या कि हम फॉर एग्जांपल किसी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में एंटर होता है, ठीक जी है? फॉर एग्जांपल हमारा कोई रिसीवेबल्स है जो फॉरेन करेंसी के अंदर है, फॉर एग्जांपल USD 10,000। इसी तरह से हमारे कुछ हो सकता है पेबल्स हों USD के अंदर 10,000। तो लोकल और फॉरेन करेंसी का चक्कर पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रेट दिया हुआ है 1 GBP इज इक्वल टू 1.5020 USD, ठीक है? ये एक्सचेंज रेट है। इसका मतलब क्या है? हेलो। हेलो। बीच में कुछ कनेक्शन में डिस्टरबेंस आई है। स्क्रीन शेयर हो रही? जी अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये एक्सचेंज रेट मैंने लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब समझ में आता है? हेलो हेलो, क्या एक्सचेंज रेट हेलो। हेलो हेलो, जी सर। जी अब सही आ रही है आवाज? जी अच्छा, ये मैंने एक्सचेंज रेट लिखा है, राइट? जी अब इसका मतलब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी लोकल करेंसी है, जी और ये हमारी फॉरेन करेंसी है। इसका मतलब ये हुआ कि एक लोकल करेंसी का जो यूनिट है वो 1.50 फॉरेन करेंसी यूनिट के बराबर है। जी एक सेकेंड होल्ड करो। जी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें फॉरेन करेंसी को लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 10,000 USD है तो हम क्या करेंगे? 10,000 को डिवाइड करेंगे 1.5020 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? लोकल करेंसी आ जाएगी। सही है? जी इस तरह से लिखने को ना हम कहते हैं इनडायरेक्ट कोट। यूके में इस तरह से रेट कोट किया जाता है। इनडायरेक्ट कोट का मतलब ये होता है कि लोकल करेंसी का 1 यूनिट लिखा हुआ होगा हमेशा। जब भी लोकल करेंसी का 1 यूनिट लिखा हुआ होगा तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट कोट,
और फॉरेन करेंसी से लोकल करेंसी मिलाने में हम डिवाइड का रूल लगाते हैं। ठीक है जी। अच्छा अब फॉर एग्जांपल जो भी हमारे पास फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन आती है तो उसको हम इनिशियली मेजर करेंगे हमेशा। उसकी इनिशियल मेजरमेंट लोकल करेंसी पे कैसे होगी, इसके ऊपर होगी स्पॉट रेट के ऊपर। जिस डेट के ऊपर ट्रांजेक्शन होगी उस ट्रांजेक्शन डेट के ऊपर जो रेट चल रहा होगा उसके ऊपर हम अपनी फॉरेन करेंसी आइटम को ट्रांसलेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने गुड्स खरीदे क्रेडिट के ऊपर 15,000 USD, रेट चल रहा था हमारा 1 GBP = 1.3010 USD। ठीक है, तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे पहले, परचेजेस की एंट्री पास नहीं कर सकते जब तक हम 15,000 USD को लोकल करेंसी में कन्वर्ट ना कर लें। तो हम सबसे पहले कन्वर्जन करते हैं, तो कन्वर्जन में हमारे पास 15,000 USD आ गए और इस 15,000 USD को हमने 3010 से डिवाइड किया तो हमारे पास GBP आ गए हाउ मच, 11,520 ठीक है, ये GBP है 512 30 30 30, तो ये GBP आ गए हमारे पास 11,530 ठीक है। अब इससे हम रिकॉर्डिंग करेंगे परचेजेस डेबिट 11,530 एंड अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 11,530 ठीक है। ये पेबल हमारे बैलेंस शीट में चला गया और अब उसके बाद होगा क्या, उसके बाद ये होगा कि इनिशियल मेजरमेंट तो हमारी हमेशा ट्रांसलेट होगी, जब हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के ऊपर जाएंगे इसको बाद में दोबारा ट्रांसलेट करना है या नहीं करना, तो जब हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे जाएंगे तो पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो ट्रांजेक्शन हमारे पास है ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है या नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के अंदर हमारे पास आ जाते हैं तमाम रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, यानी कि इनिशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर अगर हमारे पास कोई रिसीवेबल और पेएबल क्रिएट हुआ तो वो मॉनेटरी वैल्यू है, और अगर कोई रिसीवेबल पेएबल नहीं है, कोई प्लांट एंड मशीनरी है, टेंजिबल नॉन करंट एसेट है, इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट है, इन्वेंट्री है, तो ये तमाम नॉन मॉनेटरी के अंदर आते। पहले ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मॉनेटरी है नॉन मॉनेटरी है, अगर ये मॉनेटरी है तो इसको फिर हम देखेंगे कि जो इनिशियल ट्रांजेक्शन है ये सेटल्ड ट्रांजेक्शन थी या ये ट्रांजेक्शन बैलेंस शीट डेट के ऊपर अनसेटल्ड ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि सेटल्ड ट्रांजेक्शन थी या अनसेटल्ड ट्रांजेक्शन थी। सेटल्ड का मतलब ये होता है कि बिफोर बैलेंस शीट अगर कोई रिसीवेबल थे तो वो रिसीव हो गए, और अगर कोई पेबल थे तो वो पेबल हमने पे कर दिए, तो हम कहेंगे इट्स अ सेटल्ड ट्रांजेक्शन। अच्छा, अनसेटल्ड ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग है, अभी बैलेंस शीट डेट के ऊपर वो रिसीवेबल हमें कलेक्ट नहीं हुए, हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। अगर सेटल ट्रांजेक्शन हुई तो हम रीट्रांसलेट करेंगे दोबारा इसी को एट सेटलमेंट डेट। सेटलमेंट डेट के ऊपर जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा होगा
उस एक्सचेंज रेट से पहले इसको रीट्रांसलेट करेंगे और उस रीट्रांसलेशन के ऊपर हमारे पास जो गेन या लॉस आएगा एक्सचेंज गेन और लॉस उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं। ठीक है, अब इस पे एक सवाल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने गुड्स परचेज किए 1 जनवरी 2016 को और उसकी कॉस्ट थी 8,500 USD। उसके बाद हमने USD पे कर दिए 30th September 2016। ठीक है, एक्सचेंज रेट हमारे पास जो अवेलेबल है वो अवेलेबल है 1 GBP इज इक्वल टू 1.3050 USD। ये हमारे पास अवेलेबल था 1 जनवरी 16 को और 1 GBP इज इक्वल टू 1.3120 USD ये हो गया 30th September 16 को। ये ट्रांजेक्शन सेटल हो गई ना, पे हो गए तो बैलेंस शीट की जरूरत नहीं। ईयर एंड 30th September है ना, ईयर एंड दिसंबर है। दिसंबर, अच्छा सही। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसकी इनिशियल मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले तो जब हम इसकी इनिशियल मेजरमेंट करने जाएंगे तो पहली मर्तबा इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस रेट के ऊपर, तो हाउ मेनी GBP? सिक्स फाइव वन थ्री। ठीक है, फिर उसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट देखेंगे। तो पहले तो ये चेक करेंगे कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है या नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है। तो इसमें पेबल्स इन्वॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है। ठीक है जी, फिर ये चेक करेंगे कि ये सेटल्ड है तो ये सेटल्ड ट्रांजेक्शन है तो सेटलमेंट के ऊपर इसको रीट्रांसलेट करेंगे 1.3120। अब कितना GBP बनता है, अच्छा हमारा अकाउंट्स पेबल जो था वो इतना था, अब हमारा अकाउंट्स पेबल सेटलमेंट पे इतना हो गया तो लायबिलिटी में कितना चेंज आया, थर्टी फोर से डिक्रीज हो गई है। इसका मतलब है एक्सचेंज गेन। ठीक है, अब मैं इसकी एंट्रीज पास करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इनिशियल मेजरमेंट की एंट्री पास करता हूँ। परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ 6513 और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हुआ 6513। ये एंट्री पास हो गई इनिशियल मेजरमेंट की। ठीक है, उसके बाद सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हमने पेमेंट करने के लिए कैश दिया होगा, कितना कैश दिया होगा 6479। लायबिलिटी हमारी कितनी थी 6513, तो हमें 34 का गेन हुआ और एक्सचेंज गेन क्रेडिट हो जाएगा, गेन हमेशा क्रेडिट होता है। ये नया अकाउंट खुलेगा एक्सचेंज गेन, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। इनकम प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। ठीक है तो ये तो हो गई सेटलमेंट की बात। ठीक है, अब चलते हैं अनसेटल्ड मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। एक नई एग्जांपल क्रिएट करते हैं। हमने क्रेडिट सेल्स की 1 अक्टूबर 16 को
2500 USD. बैलेंस शीट हमारी बन रही है 31st December 16. ट्रांजेक्शन इज आउटस्टैंडिंग. अमाउंट जो हमें है, अमाउंट रिसीव जो हमें हुआ है, यानी कि ट्रांजेक्शन सेटल्ड कब हुई है, ये ट्रांजेक्शन 15 जनवरी 17 को सेटल्ड होगी. तो इसमें मैंने दोनों चीजें डाल दी, अनसेटल्ड भी है, सेटल्ड भी है. अच्छा जी, एक्सचेंज रेट की डिटेल हमारे पास है 1st October 16. 1 GBP = 1.3896 USD. 31st December 16 पे 1 GBP = 1.3740 USD और 15th January 17 पर 1 GBP = 1.3900 USD. ये तीन रेट्स आ गए. कैलकुलेट एक्सचेंज गेन और लॉस ऑन 31st December 16 एंड 15th January 16 एंड पास ऑल जर्नल एंट्रीज. एग्जाम में वो गेन और लॉस भी पूछ सकता है, जर्नल एंट्रीज भी पूछ सकता है. अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनिशियल मेजरमेंट करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास क्रेडिट सेल्स कितनी है, पियर्सन व्यू का मॉक कभी ट्राई किया, नहीं, अकाउंट वगैरह बनाया, मैंने बनाया था लेकिन मुझे यूज करना ही नहीं आया. चलो मैं जो ना वो बना के ना भी लाइव ही हम कुछ करके कोशिश करते हैं कुछ बन जाए, या मैं आईडी क्रिएट करके दे दूंगा, हम तरीका बता दूंगा उस पे. F1 का ना एक मॉक ट्राई करो. ठीक है, ताकि आईडिया हो के एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग कितनी. ठीक है, बाकी मैं तुम्हें जो ना एक चीज दूंगा, बट इस कंडीशन पे कि वो किसी और के साथ शेयर नहीं होगी. अच्छा, क्या सर? वो है कुछ रियल क्वेश्चंस एग्जाम के. अच्छा, वो मुझे कहीं किसी सोर्स से मिले थे, उससे ये आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम की लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसी है. कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा नहीं होंगे. अच्छा, बिल्कुल एंड में दूंगा सर. हर एग्जाम डिफरेंट होते हैं, तो उनके डिफिकल्टी लेवल भी वही होता होगा, हर एग्जाम का डिफरेंट. हाँ, लेकिन वो ये जो समा का जो एग्जाम है ना, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट कहीं ना कहीं से क्वेश्चन एक्सेस कर लेते हैं, या तो सेंटर कहीं से एक्सेस कर देता है. अब इनका जो भी डेटा बैंक है उसमें से अगर कुछ सवाल भी स्टूडेंट एक्सेस कर लेते हैं ना, तो वो आइडिया लगा लेते हैं कि कंसोलिडेशन पे सवाल कैसे पूछा जा रहा है, या ये जो एक्सचेंज रेट का सवाल है इसने एग्जाम में किस तरह से पूछा, तो उससे स्टूडेंट को एक आइडिया हो जाता है. आइडिया तो खैर पियर्सन व्यू के उससे भी हो जाता है, मॉक से. सही है. मुझे असल में किसी ने बताया था, एक मेरे ख्याल से आप ही का स्टूडेंट है कोई, फारूक मंगल, तो उसने बताया था कि उसकी बहनों ने जो है वो पढ़ा था, उन्होंने उससे ही प्रैक्टिस करी थी पियर्सन के मॉक से. हाँ, लेकिन तो मुझे बहुत, आया ही नहीं, बहुत ज्यादा सवाल नहीं होंगे उसके अंदर, लेकिन ये कि एक आइडिया हो जाएगी. चले, तो क्रेडिट सेल्स हमारे पास कितनी है, 2500 USD. तो 2500 USD को हमने ट्रांसलेट किया 1.3896 1799 1799 1 minute. दोबारा बोले, 1799 1799. एक सेकेंड, लेट मी रीचेक. डिवाइडेड बाय 1.3896. ठीक है, 1799. ठीक है,
अच्छा, इसकी एंट्री क्या होगी? अच्छा, बैलेंस शीट डेट आ गई और हमने इसको अमाउंट को अब तक कलेक्ट नहीं किया, तो इट्स अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, अनसेटल्ड है, ठीक है। अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे बात कर लेते हैं। ट्रांसलेट एट बैलेंस शीट डेट रेट, जो अनसेटल्ड ट्रांजेक्शन होगी वो बैलेंस शीट डेट रेट के ऊपर रीट्रांसलेट होगी। तो बैलेंस शीट डेट के ऊपर क्या रेट है? 1.3740। अब हमने क्या किया, इसको अकाउंट रिसीवेबल को बैलेंस शीट डेट के ऊपर जो 2500 के रिसीवेबल्स थे उसको एक डिफरेंट रेट से 1.3740 से ट्रांसलेट करें। 1819 GBP। कितना डिफरेंस आ रहा है? 20 का गेन है या लॉस है? गेन। रिसीवेबल बढ़ गया ना, ज्यादा अमाउंट कलेक्ट होगा, गेन। अब इस 20 के गेन को हमें रिकॉर्ड करना है, तो हम कहेंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 20, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट एक्सचेंज गेन के नाम से 20। अमाउंट कब कलेक्ट हुआ हमें? 15 जनवरी 2017 को हमें टोटल अमाउंट कलेक्ट हो गया, सही है। कलेक्शन के वक्त हमने कहा 2500 USD डिवाइडेड बाय कितना रेट हो गया था? 1.3900। कितने GBP कलेक्ट हुए? 1799 और रिसीवेबल हमने बुक किस पे किया हुआ था? रिसीवेबल हमने बुक किया हुआ था 1819 के ऊपर। हमने बुक करा, हम पहले वाली एंट्री नहीं करेंगे, उसके बाद ये एंट्री 20 से बन चुकी है। तो अब हम कंपेयर करेंगे 1819 से, 1819 से रिसीवेबल आ गया 1799 के ऊपर, तो डिफरेंस निकालें। 20 का क्या हो गया? लॉस डिक्रीज हुआ है जी। Loss. अब हम एंट्री क्या पास करेंगे? कैश कलेक्ट हुआ 1799, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ 1819 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सचेंज लॉस 20। सही है जी। तो ये अनसेटल्ड और सेटल्ड एक ही सवाल में दोबारा होगा। Purchases on credit, 5500 USD, 1st April 2014. Sales on credit, 2500 USD, 1st October 2014. 50% of payment,
ईयर एंड है दिसंबर। अब इसके अंदर दो ट्रांजेक्शन है, तो पहले हम परचेजेस को हैंडल कर लेते हैं, उसके बाद सेल्स को हैंडल कर लेते हैं। परचेजेस के अगेंस्ट पेबल होगा वो भी मॉनेटरी है, सेल्स के अगेंस्ट रिसीवेबल होगा वो भी मॉनेटरी है। तो सबसे पहले तो हम इनिशियल 1 अप्रैल 2014 को इनिशियल रिकग्निशन करेंगे इसकी जी। तो उस इनिशियल रिकग्निशन के अंदर हमारे पास परचेजेस और पेबल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, परचेजेस थी 5,500 यूएसडी और रेट है 1.2510 1.2510। तो ये हमारे पास जीबीपी आ जाएंगे 4396 जीबीपी। ठीक है, एंट्री परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। फिर इसकी सेटलमेंट हमने की 50% ऑफ अमाउंट मेड टू पेबल ऑन 1 सितंबर 2014। ठीक है, इसका मतलब ये हाफ सेटल हो गया जी। हाफ सेटल होने का मतलब है 1 सितंबर 2014 को हाफ कितना होता है 2750 सेटल हो गया। रेट क्या है 1.2610 2181। तो हम सेटलमेंट के वक्त अकाउंटिंग करते हैं कि हाफ हमारा जो सेटल था वो प्रीवियसली 2750 डिवाइडेड बाय 1.2510 पे था। इसका आंसर निकाल जी। 2198 पे जो ना वो पेबल रिकॉर्ड हुआ था, अब 2181 पे आ गया जी। तो रिडक्शन इन पेबल अच्छा सेटलमेंट जो हमारी हुई है वो हुई है 2181। ठीक है, 21 नहीं, ये पहले था ये 2198 के ऊपर ना, 2198 के ऊपर, और सेटलमेंट हमारी हुई है 2181। तो इसका मतलब फायदा हो गया हमें जी। कितना 17, ये एंट्री पास हो गई, 17 का एक्सचेंज गेन आ गया सेटलमेंट के ऊपर। और रिमेनिंग जो ट्रांजेक्शन है होगा वो अनसेटल्ड हो गई, वो अनसेटल्ड पड़ा हुआ है, वो अनसेटल्ड तो पड़ा है लेकिन उसका अभी तो रेट चेंज हुआ है। हाँ लेकिन उसको अभी हम कुछ नहीं करेंगे ना, वो तो अनसेटल्ड है ना, अनसेटल्ड तो बैलेंस शीट डेट के ऊपर रीट्रांसलेट होगा जी। तो इसका जो अनसेटल्ड वर्जन है, तो अनसेटल्ड में 2750 प्रीवियस इसके ऊपर रिकॉर्ड हुआ है, अब बैलेंस शीट डेट के ऊपर ये 2750 एक नए रेट के ऊपर ट्रांसलेट होगा एंड दैट न्यू रेट इज 1.2710। अब कितना हो जाएगा ये 2164। लायबिलिटी कम हो गई 34 से लायबिलिटी कम हो गई। तो हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, इसकी एंट्री होगी अकाउंट्स पेबल डेबिट 34 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट एक्सचेंज गेन 34। ठीक है, अब ऊपर रिसीवेबल्स पे चलते हैं। सेल्स ऑन क्रेडिट 1 अक्टूबर 2014, तो 1 अक्टूबर 2014 पे 2500 यूएसडी
2500 यूएसडी क्रेडिट सेल्स, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे 2500 यूएसडी डिवाइडेड बाय 1st अक्टूबर का रेट 1.2590 1986 अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। उसके बाद इसकी कलेक्शन हमें हुई है 15 जनवरी पे, इसका मतलब है दिसंबर पे आउटस्टैंडिंग है जी। तो अनसेटल्ड एट 31st दिसंबर 14, सो 2500 डिवाइडेड बाय 1.2710 1967 जीबीपी डिफरेंस निकाले, रिसीवेबल्स कम हो गए 19 से कम, लॉस आ गया। ठीक है, तो लॉस का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 19 से और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे 19। सही जी। अब चलते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को, फॉर एग्जाम्पल हमने 1st January 16 को एक प्लांट खरीदा USD 1,50,000 और उस वक्त रेट चल रहा था 1 GBP = 1.2510 USD। तो हम इसे इनिशियल मेजरमेंट पे ट्रांसलेट करेंगे, तो 1,50,000 USD डिवाइडेड बाय 1.2510 रेट, तो कितने GBP आएंगे? 1,119,000 Assuming हमने पे कर दी, तो प्लांट डेबिट एंड कैश क्रेडिट, सही? हम नॉन मॉनेटरी की करते हैं एडजस्टमेंट। किसकी? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। इनिशियल मेजरमेंट पे तो सबको ट्रांसलेट करना पड़ता है ना। अच्छा। अब सब्सीक्वेंट मेजरमेंट पे इसकी कोई रीट्रांसलेशन नहीं होगा। नो रीट्रांसलेशन। करेंसी के टॉपिक में दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, एक होती है प्रेजेंटेशन करेंसी और एक होती है फंक्शनल करेंसी। प्रेजेंटेशन करेंसी होती है इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रोड्यूस्ड, जिस करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाए उस करेंसी को क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन करेंसी। अच्छा, नॉर्मली ऐसा ही होता है कि अगर पाकिस्तान में एक कंपनी है तो वो पाक रुपीज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही होगी, लेकिन एक पाकिस्तानी कंपनी USD में अकाउंट बना रही है तो उसकी प्रेजेंटेशन करेंसी क्या होगी? USD। सही। फंक्शनल करेंसी क्या होती है? करेंसी ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच
an entity operates. अच्छा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब कंट्री नहीं होता, ठीक है, कि अगर पाकिस्तान में काम कर रही है तो पाकिस्तानी रुपी उसकी फंक्शनल करेंसी होगी, ऐसा नहीं है. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि उसकी जो करेंसी है, जो बाइंग सेलिंग के वक्त जो करेंसी इस्तेमाल हो रही है, उसकी जो मेजर ट्रांजेक्शन है वो किस करेंसी में हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, उसकी सेल्स हो रही है यूएसडी के अंदर, उसकी परचेजेस हो रही हैं यूएसडी के अंदर, उसने लोन लिया हुआ है यूएसडी के अंदर, वो अपनी सैलरी पे कर रहा है यूएसडी के अंदर, लेकिन कंपनी है पाकिस्तान में, तो उसकी फंक्शनल करेंसी क्या होगी? क्योंकि उसका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किस करेंसी पे बेस कर रहा है? यूएसडी के ऊपर. तो उसकी फंक्शनल करेंसी अब क्या होगी? अब उसकी फंक्शनल करेंसी पीकेआर नहीं होगी, उसकी करेंसी होगी यूएसडी. यानी कि उसके लिए यूएसडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू पाक रुपी. यूएसडी के मूवमेंट से उसको ज्यादा फर्क पड़ता है. हाँ, लेकिन एक कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, उसकी फंक्शनल करेंसी यूएसडी है, लेकिन हो सकता है कि उसकी प्रेजेंटेशन करेंसी पाक रुपी हो, क्योंकि यहाँ की जो रेगुलेटरी बॉडी है उनको तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पाक रुपी में चाहिए होंगे ना. तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी में डिफरेंस क्या होता है. बस हो सकता है थ्योरी पे सवाल आ जाए कि जी प्रेजेंटेशन करेंसी की चार ऑप्शंस दिए होंगे, बताएं कौन सा ऑप्शन ठीक है. तो एक कंपनी अगर पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है तो उसकी प्रेजेंटेशन करेंसी पाक रुपी भी हो सकती है और अदर देन पाक रुपी भी हो सकती है. लेकिन एक कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है तो उसकी फंक्शनल करेंसी नॉट नेसेसरीली पाकिस्तानी रुपीस, अदर देन पाकिस्तानी रुपीस भी हो सकते हैं. ये हमारा आईएस 21 हो गया फिनिश. ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कितना किया हुआ है? क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अभी हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रहता है ना डिस्कशन,